इंदौर शहर अनलॉक होने के बाद भी कई समाजसेवी व सामाजिक संगठन गरीबों की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही चारभुजा सेवा मंडल द्वारा ऐसे परिवारों को राशन वितरित किया गया जिनके पास अभी वर्तमान में व्यवसाय नहीं है। यह नज़ारा इंदौर का है जहां चारभुजा सेवा मंडल द्वारा गरीबों को राशन वितरित किया जा रहा है। मंडल के घनश्याम वैष्णव व पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत ने बताया कि कोरोना के चलते व लॉकडाउन में कई परिवारों की नौकरियां भी चली गई व कई लोगों के व्यवसाय पूरी तरह खत्म हो गए, जिसमें कई गरीब परिवारों को रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है, जिसके चलते हमारे मंडल द्वारा यह सतत प्रयास जारी है कि ऐसे परिवारों को राशन पहुंचे जहां रोजी रोटी का संकट है। उसी को देखते हुए आज चारभुजा सेवा मंडल द्वारा सैकड़ों गरीब परिवारों को राशन वितरित किया गया ताकि वह परिवार अपने दो वक्त की रोटी सुकून से खा सके। चारभुजा सेवा मंडल द्वारा पिछले वर्ष भी लॉकडाउन में कई परिवारों को राशन वितरित किया था। अब दूसरी लहर में राशन के साथ साथ मेडिकल की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई। अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और कई लोगों को रोजगार नहीं है। जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर उन्होंने जैसे तैसे जीवन संघर्ष करके इधर उधर से व्यवस्था जमा ली थी। अब ज़्यादा तकलीफ हमको ऐसा लगा देखने को मिली है, कभी जगह काम पे भी जा रहे थे काम प्रॉपर मिल नहीं रहा, सेठ उनको सैलरी दिया रही, उनके खर्चे निकल नहीं रहे हैं। तो हमने चारभुजा मंडल ने निर्णय लिया कि इनको तुरंत राशन किट दी जाए, जिसमें हमने 17 आइटम आज रख के इनको दिए और करीबन 18 से 20 किलो वजन इसका सब मिला के हुआ है। तो चारभुजा मंडल ऐसे परोपकारी काम हर साल हर आपदा में करता आया है। कोविड में भी हमने काफ़ी सहयोग करा, लोगों को हॉस्पिटल करावा, ऑक्सीजन की सिलेंडर की व्यवस्था करी, इसको दवाई मुहैया कराई। ऐसे निरंतर जो साल भर हमारे कार्यक्रम होते हैं इस आपदा के समय, योगी जी मेहर के सानिध्य में, गोपाल जी पुजारी के सानिध्य में ये सब आयोजन करता आ रहा है, हमारा दगदी जी के सानिध्य में। चारभुजा सेवा मंडल सतत सेवा के कार्य, धार्मिक कार्य हो, सेवा का कार्य हो, सतत करती आ रही है सेवा मंडल घनश्याम जी वैष्णव अध्यक्ष के नेतृत्व में। और आज भी लॉकडाउन में जो गरीब परिवार हैं उनको आर्थिक रूप से जो टूट चुके हैं उन लोगों को यहाँ पर राशन सामग्री वितरण करके उनकी सेवा की गई, उन्हें इस विद्या में सुदृढ़ होकर अपना परिवार चलाने की मदद की गई। कि मेरे तो ये शुभकामना है कि भगवान परमपिता परमेश्वर हम सबको जल्दी से इस महामारी से मुक्त करे और जनजीवन सामान्य हो। पंडित हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय सांसद शंकर लालवानी जी भी उपस्थित हुए, उन्होंने भी यहाँ पर जो पूरे इंदौर का अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पर्ची बांट कर उन्हें बुलाया गया था हितग्राहियों को, उन्हें यहाँ पर मदद की गई राशन की। पंडित योगेंद्र पूर्व राजमंत्री ध्वजा इंदौर से एन के मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।